मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो देखिए अभी भी मैं नहा करके आई हूँ और आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारी बातें करने और मैं दिखाऊंगी कि मैं मेकअप में मेरा लुक कैसा लगता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। दिन के 12 बज रहे हैं और अभी लंच का टाइम है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और इतने गर्मी में अपने लिए बना करके लाई हूँ, देखिए मसाला ओट्स। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह मसाला ओट्स बनाना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो मैं अभी जा रही हूँ इसको फटाफट फिनिश करने, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा और इतना। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ वन साइड मेकअप, वन साइड विदाउट मेकअप। तो आप लोग देख के बताइएगा मेरा कौन सा फेस ज़्यादा अच्छा लगता है, मेकअप वाला या नेचुरल फेस। तो देखिए मेकअप स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, मैंने एक साइड मेकअप किया है, एक साइड मेकअप नहीं किया है, थोड़ा सा चेंज लग रहा है, पता ना कैमरा में उतना दिख नहीं रहा है, बट सामने से थोड़ा नहीं बहुत चेंज दिख रहा है, कैमरा में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है। तो फिर अब पूरे फेस में मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि बहुत डर लग रहा है पूरा फेस। मोली मोली और देखिए फिर से कुछ लेके बैठी हुई है काटने के लिए ही। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इतना मेकअप करके वीडियो बना रही हूँ, मैं कभी मेकअप करके वीडियो नहीं बनाती हूँ, नॉर्मली बस बाल कर लिए उसके बाद वीडियो शूट करने लगती हूँ। बट आज मन किया कि थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लूँ। तो आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा बात है। पहली बात तो ये है, फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है कि मेरा एक और चैनल स्टार्ट की हूँ मैं अभी दो दिन पहले, तो उसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ। तो उस भी चैनल का नाम है यूट्यूब ब्लॉग शॉर्ट्स। तो जो लोग अगर चाहते हैं कि मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखना तो आप लोग जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उस पर भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और सब्सक्राइबर तो इस पर कभी कोई ख़ास नहीं है, बढ़ रहा है फिर भी मैं खुश हूँ इतने में। और एक मेरा इंस्टाग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ है, मतलब बोले तो दो दिन में उस पर 25K कंप्लीट कर दिया है, 25K क्रॉस कर गया है, कंप्लीट नहीं किया है, 25K क्रॉस कर गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। बट हाँ, एक ही वीडियो पे हुआ है, बाकी किसी वीडियो पे ना व्यूवर्स आया है ना उतना लाइक आया है, बस एक ही वीडियो पे उतना ज़्यादा व्यूअर्स आया है। और उस वीडियो से हमको 150 के आसपास फॉलोअर्स मिले हैं उस वीडियो के थ्रू, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो, क्योंकि पहले मैं लाइक पे भी वीडियो बनाती थी, तो उस टाइम तो खैर मेरा प्राइवेट अकाउंट था तो उतना मैं नहीं देखी, बाद में मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया। फिर भी 25K अभी तक मेरे किसी वीडियो पे व्यूअर्स नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से यूट्यूब पे भी मेरा कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, आप लोग सपोर्ट करें। तो बस आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोग में, और मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट रहती है कि आप कोई फ़नी टाइप की वीडियो क्यों नहीं बनाती है। तो मैं फ़नी टाइप की वीडियो किस टाइप बनाऊँ मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा, अगर आप लोग थोड़ा हेल्प कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फ़नी टाइप बोले तो आप लोगों को मालूम है कि मैं अकेले वीडियो शूट करती हूँ, कभी कभी रिचा आती है तो हेल्प करती है, वरना मुझे अकेले अपना ट्राइपॉड में फ़ोन लगाती हूँ और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब कि कोई साथ में है नहीं जिसके साथ कोई टास्क पूरा करूँ। इस टाइप का बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ, मतलब कोई देख के ही कोई सीखता है कुछ भी। तो और अभी बाहर तो नहीं जा रही हूँ फिलहाल, तो बाहर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता सही हुआ है, दिखाऊंगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिन पहले वीडियो में दिखाई थी कि मेरे रूम के चारों साइड पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, मतलब कि सब्ज़ी लाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इतना इतना कमर तक पूरा पानी लगा हुआ था। उतना पानी फुल जो कि बना है अभी,
मार्केट जाने के लिए या ऐसे ही बाहर और जाने के लिए दिख रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, तो मेरा इंस्टा आईडी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मेरा यूजर नेम है स्वीटू ब्लॉग्स, जो कि चैनल का नाम है। तो और आप लोग जितना हो सके मेरा वीडियो शेयर कर दो, ताकि 200 और सब्सक्राइबर मैं कंप्लीट कर लूं। और रही 4000 वॉच टाइम पूरा करने की, तो वो तो मैं धीरे धीरे कोशिश करके कर लूँगी, क्योंकि और 200 कम है मेरे मतलब 1K कंप्लीट होने में। सब्सक्राइबर में 800 कंप्लीट कर लिया है मैंने, तो आप लोग और थोड़ा सा हेल्प कर दो बस। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि मतलब इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूबर से मिली हूँ, जो लोग अभी अपना चैनल स्टार्ट किए, मतलब मेरी तरह ही अपना भी अभी भी चैनल स्टार्ट किए हैं, तो उस टाइप के बहुत से लोग होते हैं, तो उन लोगों को भी व्यूअर्स की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो देखूँ, आप मेरा वीडियो देखूँ, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हो। मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूँगी और आप लोग भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से क्या होगा, हम छोटे यूट्यूबर अगर एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, और एक दूसरे की वीडियो देखेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि क्या होता है कि अक्सर हम लोग ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों का वीडियो देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का कंटेंट भी अच्छा रहता है। कंटेंट तो खैर हम लोग का भी अच्छा रहता है, बट उतना हम लोग अभी क्या चलता है, जब मैं YouTube पे वीडियो देख रही होती हूँ किसी और का, तो अभी कुछ दिन से मैं एक सिंपल डाइट प्लान मतलब YouTube पे ढूंढ रही थी, डाइट चार्ट कुछ इस टाइप का। तो मैं बहुत सारा डाइट देखी, बहुत सारा वीडियो देखी, मतलब अलग अलग किसी में कुछ इस टाइप के बहुत सारे थे। कुछ मेरे लिए पॉसिबल था, कुछ मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में मैंने एक लड़की का वीडियो देखा, तो उसमें वीडियो में मतलब सिंपल तरीके से वो बिल्कुल डाइट बताई थी, जो कि मेरे लिए लगभग में सब कुछ पॉसिबल था अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करती तो। और वो लड़की का मैंने फर्स्ट वीडियो जाके देखा, जो कि मतलब उसमें सब कुछ लगा कि हाँ सही बोल रही है, लेकिन उसका सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा नहीं था। और मेरे माइंड सेटअप में ये रहता है कि हाँ जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं वो सही है, तब तो उसके इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल आज से मैं डाइटिंग पे हूँ, और 2 वीक के में कंप्लीट करना है, देखते हैं कितना वेट लूज होता है। तो फिर लास्ट 2 वीक बाद मैं एक वीडियो बना दूंगी इस पर कि मैंने अपने डाइटिंग में क्या क्या लिया था, और फिर किस तरह से मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट किया, और ये बता दूंगी कि 2 वीक में मेरा कितना वेट लूज हुआ। क्योंकि इस तरह क्या हुआ कि 2 महीने से मेरा वेट इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिए थे कि मेरी ड्रेस मेरे में फिट नहीं आ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वीडियो कंप्लीट करके और शाम तक अपलोड कर देना है, तो इसलिए मैं वीडियो अभी कंप्लीट कर लूँगी अपना, जो भी होगा जैसे भी होगा कंप्लीट करके फटाफट, और शाम तक अपलोड कर देना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद थोड़ा ढंग का वीडियो बनाया हुआ, थोड़ा ढंग का मतलब मुझे लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर आप लोगों को भी लग रहा होगा तो मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर देना ज़रूर, क्योंकि अभी इंस्टा पर मैं चाह क्योंकि जल्दी जल्दी मेरे 1K कंप्लीट हो जाए फॉलोअर्स, क्योंकि इंस्टा पे आगे 10K कंप्लीट होने के बाद ही कुछ होता है यार। तो 10K तो अभी मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा 1K तो कंप्लीट हो जाए। अभी तो मेरे ख्याल से 200 या 250 हो गए मेरे फॉलोअर्स, ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग मुझे फटाफट इंस्टा पे फॉलो करो, क्योंकि मेरी वीडियो में देखूँ ज़्यादातर लड़के लोग वीडियो देखते हैं, तो लड़के लोग वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को अपने मतलब लायक कुछ वीडियो चाहिए होता है, जैसे कि कुछ फ़नी टाइप। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास, फ़नी टाइप वीडियो बनाओ। तो कोशिश तो कर रही हूँ बट हो नहीं रहा मेरे से, क्या बोले। और कोई दूसरा टॉपिक भी बताओ आप लोग, क्योंकि फ़नी टाइप के लिए तो कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। और दूसरा कोई टॉपिक आप लोग पास हो तो मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप लोग से मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और इस वीडियो पे आप लोग बहुत सारा प्यार दिखाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कुछ दिन पहले, क्योंकि मेरा मतलब सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहा था, व्यूअर्स भी बढ़ रहे थे, बट आप लोग थोड़ा थोड़ा इधर प्यार दिखाना स्टार्ट कर दिए हो, तो वैसे ही फिर से प्यार दिखाना स्टार्ट कर दो। तो फिर तो बाय।